यार ये गार्ड किधर रह गए? बाबू चाचा जी मैडम, बाबू चाचा ये दूसरे रूम में रखवा था। अच्छा मैडम। कमाल कमाल उठे ना, 9 बज चुके हैं। चलो मैं तैयार होकर आता हूँ। हेलो, ओके मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। किसकी कॉल है? वो शिकार थी, मैं उसको मिलने जा रहा हूँ। तो के जल्दी आ जाना प्लीज। कमाल उठे ना। किरण तुम्हारी कहाँ है? मेरा सर किचन में है। ओके ओके मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज़। आपकी चाय ठंडी हो चुकी है। सॉरी। सर कुछ पेपर है साइन कर दे।
खाली, बाकी के पेपर मुझे मेल कर देना। ओके सर, मैं मेल कर दूंगा। किरण कब आई हो बाहर से? बस कुछ दिन पहले। और तुमने शादी कर ली, बताया भी नहीं। बस यार अचानक से सब कुछ हुआ, सॉरी बता नहीं सकी। अच्छा आप इनसे मिले? मेरे हस्बैंड ने, मैंने कहा नहीं, भूल गई थी आपको। आमिर नाम है इनका। कैसे आप? बहुत सुना है कमाल भाई, कैसी लगी आपको मेरी दोस्त? जब से ये मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी बदल गई है। ओके सारा, आपको बैठो, मैं आपको कुछ ले आती हूं। अली, मैं जरूर काम से जा रहा हूँ, बेटे पर मुझे मेल कर देना। ओके सर। छोड़ो कमाल,
जब से आए हो आपने याद ही नहीं किया, मैंने सोचा मैं खुद ही मिला। बस डॉक्टर साहब अचानक से आना पड़ा इसलिए बताया नहीं आपको। ये मेरी वाइफ है किरण, इनसे मिलिए। और किरण ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर एजाज, इनके लिए कुछ ले आओ। और सुनाए डॉक्टर साहब कैसी गुजर रही है? बस ठीक है, आप सुनाए आपका कैसा बिजनेस जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, ठीक जा रहा है बिजनेस। लगता है यार गाड़ी गर्म हो गई है, मैं पानी लेके आता हूँ। अच्छा जल्दी आइए पापा।
चलो चले आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। तुमने अभी तक पेपर मेल नहीं किए? ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। अली, पेपर सर को मेल कर दिया था? थोड़ा सा काम रह गया, मैं मेल करता हूँ।
तुमने कोई बुरा सपना देखा है? नहीं नहीं कमाल हो गया अमिता, अभी यहाँ अमिता वो किरण, यहाँ तो कोई नहीं है। कमाल वो यहाँ, तुमने कोई बुरा सपना देखा है? सो जाओ। नहीं कमाल, आप अपने पेपर मेल कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ। किरण एक गिलास पानी का पिला दो मुझे। आर यू ओके? कमाल आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? कोई है जो मेरी जान लेना चाहता है? ओ किरण, मैंने कहा ना, ये तुम्हारा वहम है। भाभी मैं एक जरूरी काम जा रहा हूँ, आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, प्लीज कमाल को बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं? वो जख्म है, दर्द होगा, चलो मैं दवाई लिख के ना आपको दे देता हूँ, इससे आराम आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह खतरे वाली कोई बात नहीं है। किरण कैसा फील हो रहा है? बेहतर है। कमाल देखो कौन आया बाहर। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आप लेते हैं? कैसी हैं आप? ठीक हैं? बेहतर हूँ। ये सब कुछ कैसे हुआ है? कोई है जो मेरी जान लेना चाहता है?
ओहो किरण, मैंने कहा ना ये तुम्हारा वहम है। तो आपका क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? कोई है? अच्छा ओके, इट्स ओके। मुमकिन है आप लोगों का घर खाली रहा है, इस वजह से शायद किसी चीज का असर हो, साया हो यहाँ पे। मेरे एक बुजुर्ग जानने वाले हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कल ही उन्हें ले आता हूँ, और कोई अगर ऐसा मामला हुआ तो वो बता देंगे। मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली कर लें। किरण, एक ग्लास पानी का ले आओ। सर पानी। किरण किधर है? मैडम अपने कमरे में सो रही है। ठीक है, आप जाओ। ये पानी कहाँ गया?
में क्या महसूस किया आपने? कोई जन्नत का साया है? बदरू है। बदरू? और इस बदरू का इनके घर के किसी फर्द के साथ कोई ना कोई तल्लुक जरूर है। शादी से पहले तुम किसी से प्यार करती थी? नहीं, नहीं तो? वो भी तुमसे प्यार करता था? नहीं, ये सब झूठ है। झूठ मत बोलो। सब बहुत गुस्से में थे और काफी नाराज लग रहे थे। उनका कहना है कि मुझे कुछ सच नहीं बताया जा रहा। ऐसा तो कुछ भी नहीं जो उनसे हमने छुपाया। ये तो अब आप लोगों को पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्यों किरण? हाँ, बिल्कुल, हमने तो कुछ नहीं छुपाया उनसे। कोई ऐसी बात है जो आप दोनों छुपा रहे हैं उनसे? एजाज साहब, किरण की ये हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इस मसले का कोई हल निकालें। कमाल, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, इसको रूहानी इलाज की जरूरत है।
कहाँ है बाबा जी? यार मैं पहले इधर आया था, बाबा जी इधर ही थे, पता नहीं आप कहाँ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी किधर गए हैं? बाबा जी लाहौर गए हुए ने। क्या आप बता सकते हैं कि कब आएगा बाबा जी? बाबा जी कोई पता नहीं कदों वापस लौटन गए। ठीक है फिर हम बाद में आ जाएंगे। ठीक है कमाल, आप ऑफिस से कब आए? क्या हुआ कमाल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है मेरी। अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं आपके लिए खाने लगा दी। किरण क्या हुआ? कमाल वो देखिए। किरण यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद तनवीर को अपने हाथों से मारा है। अब किस लिए आई हो मेरे पास? बाबा जी ये सच है, शादी से पहले कोई लड़का था मेरी लाइफ में। हमारी पहली मुलाकात एक मॉल के बाहर हुई। और दूसरी ही मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए।
किरण, मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे घर का भेजू। तनवीर, पापा आउट ऑफ सिटी गए हैं, जैसे ही वापस आएंगे तो मैं खुद बात करूंगी उनसे अपने रिश्ते की। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। तनवीर, आई थिंक हमें चलना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। चले। शख्स हमारी जिंदगी में आया जिससे मैंने शादी करी। एक दिन तनवीर ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। पहले कि वो कुछ करता, मैंने तनवीर को बुलाया। तनवीर, आ गए तुम? आओ बैठो। किरण, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन था? वो कजन था मेरा, कजन था। अच्छा ऐसे करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ।
बाबा जी मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन किसी भी तरह प्लीज मुझे बचा लें। इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा बेटा। इंतजार? हाँ इंतजार, जुमरात तक इंतजार करना पड़ेगा। बाबा जी क्या मुझे? हाँ बेटा हाँ, तुम्हें बदरू से निजात मिल जाएगी। बाजी इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं बेटा नहीं होगी। बाबा जी ये मेरा एटीएम कार्ड है, आप प्लीज इसे रख लें, आप जितना मर्जी इसमें से पैसे निकलवा लीजिएगा। नहीं बेटा नहीं चाहिए। बाबा जी मैं खुशी से दे रही हूँ प्लीज। बेटा बस अब तुम जाओ।
पीर साहब मेरी किरण नहीं मिल रही। ओ बेटा फिक्र ना करो, हमारे होते हुए तुम्हारी किरण को कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, मुझे 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। किरण, किरण, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। Oh.
आ गया है तू। उस दिन तुझे मैंने मना किया था ना कि तू उन बच्चों का पीछा छोड़ दे, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं समझा। आज तुझे मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूं। आज मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। बेटा आप कैसा महसूस कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी, आप हमारी जिंदगी में बहुत सुकून है। प्लीज साहब, जब कभी ऐसा तो नहीं होगा? आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह इन बच्चों की जिंदगी में वो दोबारा कभी नहीं आएगा।